भी लंगर लै के आए सी इत्थे 5 एकड़ च अपने आर्मी के जवान ठहरे हुए ने और इत्थे किंग अंपायर दे विच और लोग ढाणिया चो निकल के आए ने उन्होंने जिते रात भी लंगर दिता सी हुण सवेरे असी 5:30 बजे चाह लैके ब्रैड लैके आए हैं इन्हों का नाश्ता पानी करवाया और जिन्हें भी हुण असी स्कूलों जावांगे जिते बाढ़ पीड़ित लोग बाहर ढाणिया चो आ के बैठे आ उन्हां वास्ते लंगर तैयार करवा के उत्थे भी उन्होंने छकाया जाएगा और होर भी जो प्रशासन आदेश देगा और जिस तरह सानू पता लगेगा भी जिते लोग लोड़वंद बैठे है असी उत्थे उत्थे लंगर चाह पानी जरूर पहुँचावे। साडे सेवादार यूथ खालसा सुसायटी ये सारे लगे हुए हैं और बड़ी तनदेही दे नाल ये सेवा कर रहे हैं और गुरु परमात्मा कृपा करे इसे तरह सेवा चलती रहे। ये रतिया रोड है, फतेहाबाद रतिया रोड है और ये फतेहाबाद की तरफ शहर की तरफ पानी जा रहा था जहाँ से इन्होंने ये रतिया रोड में कट लगाया और ये पुलिया सारी खोल दिया है। ये पानी खान मोहम्मद होकर के आगे दरियापुर को निकल जाएगा। ये रोड जो है वो थोड़ी जा रही है, हालांकि गुरुद्वारा जो प्रबंधक
मैं थोड़ा सिंपल लकी आ जाए एक मिनट सिंपल से पूछूंगा सर। रमेश है ना ना सर, ये लगातार आप लगे हुए हैं देर रात के, तो सर क्या क्या जो किए गए हैं प्रबंध बाढ़ से बचाने के लिए? देखिए अभी आपके सामने ही है कि हमारी जहाँ ज्यादा पानी शहर की तरफ जा रहा था तो हमने उसको रोड को कट करना पड़ा ताकि शहर के अंदर पानी ना जाए, और हमारी मिलिट्री भी हमारे साथ है, लोगों को हम जो लोग अगर कहीं को फंस जाता है तो हमारी मिलिट्री हमारे साथ ही उनको रेस्क्यू करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन पर नाव है किस नहीं है सब है, और फिलहाल हमारी कोशिश है कि कोई शहर के अंदर पानी ना जाए। हाँ बिल्कुल, कि यहाँ जो आगे पानी जाएगा तो उसका फ्लो आगे की तरफ चलता रहे तो ताकि नई आबादी में या शहर में पानी ना आए। लगातार लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, हम 3 दिन से लगे हुए हैं। जो परिवार सर खेतों में रह रहे थे, अगर हमारे को कोई सूचना मिलती है तो हम तुरंत उनको वहाँ से निकाल के लेके आते हैं। नंबर भी जारी किया गया? हाँ बिल्कुल, हमारे नंबर हमारे जो है फ्लड कंट्रोल रूम के हमारे नंबर हमने, ये में कोई दिक्कत नहीं है। फतेहाबाद के एसडीएम हमारे साथ मौजूद थे लगातार देर।